अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने जिन दो सीटों पर विजय हासिल की थी उनमें से एक सीट रायबरेली थी। यहां से कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने जीत हासिल की थी। सोनिया गांधी ने बीजेपी के अजय अग्रवाल को बड़े अंतर से हराया था। ऐसा माना जा रहा था कि सोनिया गांधी इस सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगी, लेकिन सोनिया गांधी ने सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए चौथी बार इस सीट से लड़ने का फैसला किया। वहीं इस बार बीजेपी ने सोनिया के करीब रहे दिनेश सिंह को मैदान में उतारा है। रायबरेली लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा सीटें आती हैं, जिनमें बछरावा, हरचंद्रपुर, रायबरेली, सरेनी और ऊंचाहार सीटें शामिल हैं। इनमें दो दो सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी का कब्जा है, वहीं एक सीट सपा के पास है। रायबरेली में लगभग 19 लाख वोटर हैं। यहां एससी वोटर्स किंग मेकर की भूमिका में है, तो वहीं ब्राह्मण, ठाकुर, यादव और मुस्लिम मतदाताओं की संख्या अच्छी तादाद में है, जो किसी भी प्रत्याशी जीत में अहम भूमिका निभाती है। न्यूज डेस्क।